રશિયાથી એલએનજી ગેસનો જથ્થો ભારત લાવવાના કેન્દ્ર સરકારના સ્વપ્ન સાકાર થતા દરિયાઈ માર્ગે એલએનજી ગેસનો જથ્થો ભરૂચના દહેજ ખાતે લાવવામાં આવ્યો હતો. ભારત દેશ દરિયાઈ માર્ગે એલએનજી એટલે કે લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસને સ્વદેશ લાવવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે, જે અંતર્ગત રશિયા સાથે થયેલી લાંબા ગાળાની સમજૂતી અંતર્ગત એલએનજીનો પહેલો જથ્થો દરિયાઈ માર્ગે દહેજના પેટ્રોમેક ટર્મિનલ ખાતે લાવવામાં આવ્યો હતો. રશિયાથી આયાત કરાયેલા એલએનજી ગેસનો જથ્થો દહેજ આવી પહોંચતા કેન્દ્ર સરકારના પેટ્રોલિયમ મંત્રી ધર્મેશ પ્રધાન આ સ્થળે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ગ્લોબલ વોર્મિંગ કે હમ કન્ટ્રીબ્યુટર નહીં હૈ, ઉસકે બાવજૂદ બીંગ એ રિસ્પોન્સિબલ ગ્લોબલ સિટીઝન વી હેવ અવર રિસ્પોન્સિબિલિટી. તો વો કૈસે હો પાયેગા અગર હમારી ઇંધન સ્વચ્છ હોગા તો. દુનિયા મે આજ કે દિનો મે ગેસ ઓર એલએનજી કી અવેલેબિલિટી બઢી હૈ પિછલે દિનો કી તુલના મે. ये स्वच्छ होने के साथ साथ अन्य एनर्जी सोर्स के हिसाब से स्वच्छता की अगर पैरामीटर में देखें ये सस्ता भी है, इकोनॉमी है उसमें, और इसकी गुणवत्ता अपने आप में एक बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है. भारत की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री गैस से ही चलती है. भारत की पावर जनरेशन में गैस की एक बड़ी कंपोनेंट है. भारत में अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन हाउस होल्ड में डोमेस्टिक कनेक्शन आज एक ऐतिहासिक दिन है. भारत की अर्थनीति को गैस आधारित अर्थनीति करने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है. अगर विश्व के साथ भारत को हम तुलना करें, विश्व में अगर एनर्जी बास्केट में 26% गैस है, भारत में ये 6-7% तक है. लेकिन अगर उसको भारत के अंदर थोड़ा हम गहराई से गुजरात को देखेंगे, गुजरात में 26% है, जो विश्व के एवरेज से भी ज़्यादा है. गुजरात आज इसीलिए आगे गया है, एक उसमें से कई कारणों में से गैस आधारित अर्थनीति एक है. इस एक्सपेरिमेंट को हमको देश में ही लागू करना है, इसीलिए गैस की नेटवर्क बढ़े, गैस की कारोबार बढ़े, गैस की उपलब्धता भी बढ़े. देश के अंदर उत्पादन होने वाले गैस की कारोबार बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, वैसे ही विश्व बाजार से एलएनजी को जो यहाँ आके रीगैसिफिकेशन होके गैस बनेगा वो भी आके पहुँचे. जब हम लोग जिम्मेवारी संभाले तब सिर्फ कतार से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आती थी, आज वो बढ़ के ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, अमेरिका से भी इसी साल आना शुरू किया है, और आज से रशिया से भी आना शुरू किया है. हमारी देश की ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम एलएनजी रशिया से आना. पिछले 4 दिन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट की दाम घटना शुरू हुआ है. हमने पहले भी कहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार की उछाल के कारण ये दाम बढ़ना हुई थी, आज जब थोड़ा उसमें नमी आई है ये धीरे धीरे घटना भी शुरू हुआ है. हमें भारत की सामान्य लोगों को, मध्यवर्गीय लोगों के लिए चिंता है, हम उसके लिए संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं. मैं मानता हूं धीरे धीरे ये विषय समाधान के रास्ते पे जाएगा.